हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बता दिया था कि जो 11 और 13 तारीख का जो रिजल्ट आने का सीबीएसई का जो न्यूज़ चल रहा था वो बिल्कुल ही फेक था। सीबीएसई ने इसे साफ इनकार कर दिया है और सीबीएसई का कहना है कि 15 जुलाई तक हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि इस हम रिजल्ट को घोषित कर दें। तो आज के वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, वैसे तो आज को मैं 3-4 सूचना दूंगा, लेकिन दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आइए पता करते हैं। सबसे पहले कि जो इंतजार जो है वो जल्दी खत्म होने वाला है, ये सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से बोल दिया है कि 15 तारीख तक किसी भी कीमत पे हम पूरा वी विल ट्राई आवर बेस्ट और हम 15 तारीख तक रिजल्ट घोषित करने का पूरा एफर्ट लगा देंगे और प्रयास करेंगे। 11 और 12 तारीख का जो फेक न्यूज चल रहा था उससे सावधान रहिएगा, ठीक है। तो वायरल होने के बाद जो बोर्ड ने अपनी तिथि बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बताई है, लेकिन 15 जुलाई तक का उसने अल्टीमेटम एकदम टाइम दिया है। तो असेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, इस वीडियो में बता देते हैं कि जिन्होंने सारे सब्जेक्ट दे दिए हैं, ठीक है, जिनके सारे पेपर हो चुके हैं उनको तो एज यूजुअल जैसे नंबर मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे, लेकिन जिनके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 से अधिक पेपर हो चुके हैं, 4 पेपर हो चुके हैं, आपके कुल 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 4 या 5 सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं, तो क्या होगा कि बेस्ट 3 को, टॉप 3 को एवरेज करके और टॉप 3 का एवरेज निकाल के आपको 4थे और 5वें सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके 3 पेपर ही हुए हैं तो उनमें क्या होगा, 2 के बेस्ट से, जैसे मान लीजिए आपके 3 पेपर हो गए, 3 नहीं हुए, तो जो 3 बचे हैं उन तीनों के टॉप 2 का बेस्ट निकाल के आपको उसका अंक दिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपके 3 से अधिक पेपर नहीं हुए तो आपको इंटरनल असेसमेंट, कॉलेज में आपका कैसा व्यवहार है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर, अगर आपको 3 से ज़्यादा पेपर नहीं हुए हैं तो ही, ठीक है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि दिल्ली वालों के बच्चों के लिए जो कि 12th में है, ठीक है, क्या है, 12th में है, और उनका रिजल्ट जो है वो असेसमेंट और प्रोजेक्ट के आधार पर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ये कह दिया है कि अगर आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना हो, अगर आपको लग रहा है कि हमारे नंबर कम आए हैं और अगर आप दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना स्कोर सुधारने के लिए 12वीं के स्टूडेंट्स को ऑप्शनल एग्ज़ाम में बैठने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बैठता है तो इस परीक्षा के मार्क्स को फाइनल स्कोर माना जाएगा, 10वीं की कक्षा के विद्यार्थियों को ये सुविधा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन असेसमेंट से पहले ही आपको, रिजल्ट आने से पहले ही आपको इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सीबीएसई ने एक चीज़ और कह दिया है कि इस बार जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि इस बार जो है आपके मार्क्स डिजी लॉकर ऐप पे आएगा, ठीक है। डिजी लॉकर ऐप को आप जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर से जाके आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए या गूगल से डिजी लॉकर आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे मार्कशीट सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सब कुछ जो है वो डिजी लॉकर पर ही मिलने वाला है। डिजी लॉकर को आप कहाँ से करेंगे, तो लिंक दे रखा है, देखिए http://getapp.digilocker.government.in, ठीक है। इससे क्या है, आपका डिजिटल मार्कशीट या सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप किसका यूज़ करेंगे, तो अपने सीबीएसई रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर जो आपने स्कूल में दिया है उसका यूज़ कीजिए। ओटीपी जो होगा आपका वो क्या होगा, रोल नंबर का लास्ट 6 डिजिट आपका ओटीपी होगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, प्ले स्टोर पर जाइए स्मार्टफोन में अपने, वहाँ पर प्ले स्टोर पर अपना सर्च कीजिए डिजी लॉकर ऐप, उसको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर दीजिए, ठीक है। ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद अपना 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डालिए और डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा आपका, और नाउ यू कैन चेक योर सीबीएसई डिजिटल मार्कशीट एंड वट एवर यू वांट सर्टिफिकेट, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपने का एग्जाम अच्छा गया है तो आप डरे नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहें, जितना आपने लिखा है उतना स्कोर अच्छा रहेगा। बी पॉजिटिव, होप फॉर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग स्टडी स्कैन।